दोस्तों अक्सर लोग म्यूजिक को हाई वॉल्यूम और दमदार बेस के साथ सुनने के लिए ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, जिसका ईयरबड सॉफ्ट होने के कारण आपके कानों को लंबे समय तक कंफर्ट रखता है, जिससे आप म्यूजिक को लंबे समय तक सुन सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आगे फैक्ट्री में बोट ईयर ड्रॉप को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। तो नंबर पहले पर आता है बोट ईयर ड्रॉप मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो में एप्पल ईयर ड्रॉप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा था, जिसका इस्तेमाल लोग म्यूजिक सुनने के साथ साथ फैशन दिखाने के लिए भी करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत बड़ी कमी ये है कि इसका साइज बड़ा होने के कारण ये कानों से गिर जाता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए बोट ईयर ड्रॉप को बनाया गया, जो अपने छोटे साइज के कारण कानों में फिट होकर गिरना बंद हो गया, जिससे आज ये लोगों के दिल पर राज कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने से पहले इसके सभी पार्ट को 3D एनिमेशन से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्पीकर का बहुत बड़ा योगदान होता है, फिर ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ, SOC, PCB, एक्सेलेरोमीटर, लिथियम आयन बैटरी, MEMS माइक्रोफोन और नॉइस कैंसिलेशन लगा होता है। दोस्तों ऑडियो कोडेक का वर्क मोबाइल से निकले डिजिटल नंबर को वेब फॉर्म में करता है, जिससे हमें एक साउंड सुनाई देता है, और इसी आवाज को सुनने के लिए स्पीकर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए देखते हैं आगे स्पीकर को कैसे बनाते हैं। तो स्पीकर को बनाने के लिए सबसे पहले कॉपर वायर को सर्कुलर फॉर्म में लपेट कर कटिंग करते हैं, जिसे कॉइल बनकर तैयार हो जाता है। अब स्पीकर में लगने वाले डायफ्राम को इस मशीन पर रख कर इस पर कॉइल को चिपकाते हैं। फिर स्पीकर बॉडी को दूसरे फैक्ट्री से मंगाया जाता है, जिसमें मैग्नेट ऑलरेडी लगा होता है। फिर इस पर ग्लू लगाकर डायफ्राम को चिपकाते हैं, जिससे स्पीकर बनकर तैयार हो जाता है। अब ईयरबड के बॉडी को भी दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर इसके अपीयरेंस को चेक करते हैं। फिर इसमें बटन लगाकर सोल्डरिंग किया जाता है, जिससे हम म्यूजिक को चेंज और वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। अब चार्जिंग पैड लगाकर इसे भी सोल्डरिंग किया जाता है। दोस्तों ये चार्जिंग पैड चार्जर के से ईयरबड को चार्ज करता है। फिर इसमें ईयरबड ड्राइवर को असेंबल करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है, और इस ड्राइवर पर ग्लू लगाकर अच्छे से फिक्स करते हैं। फिर इस पर मैग्नेट असेंबल करके ग्लू लगाया जाता है, जिससे मैग्नेट और चार्जिंग पैड अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं। अब PCB प्लेट पर सोल्डिंग करके ईयरबड ड्राइवर के साथ अटैच करते हैं। फिर ईयरबड को पावर देने के लिए बैटरी को PCB के साथ सोल्डिंग करके ईयरवैक्स फिल्टर को लगाते हैं, जो ईयरबड में लगे छोटे छोटे पार्ट को पेनिट्रेट होने से बचाता है। अब सारे पार्ट असेंबल हो जाने के बाद PCB को ईयरबड के अंदर डालकर ग्लू लगाते हैं, जिस पर बैटरी को चिपका कर ईयरबड को क्लोज करते हैं। अब एक लेडी वर्कर इसे कानों में लगाकर इसे साउंड क्वालिटी को चेक करती है। फिर ईयरबड के स्पीकर पर पॉलीथीन को लगाते हैं, जो स्पीकर में डस्ट जाने से रोकता है। फिर इसका आउटर इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें ईयरबड के अपीयरेंस को चेक करते हैं। अब आपके कान को लंबे समय तक कंफर्ट रखने के लिए ईयर टिप को लगाते हैं, जिससे आपका ईयरबड बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसके चार्जिंग केस को बनाने की, जिसके लिए कंप्यूटर में इसका 3D डायग्राम तैयार करके प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जिससे एयर ड्रॉप का बॉडी बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके एयर ड्रॉप में पड़ने वाले बैटरी को बनाते हैं, जिसके लिए कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ अन्य केमिकल को डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसी पेस्ट को पॉलीमर शीट पर लगाते हैं, और जब ये पेस्ट सूख जाते हैं तो इनके कुछ पार्ट को काट कर सैंपल टेस्टिंग किया जाता है, और सही रिजल्ट निकलने पर इन्हें रोलिंग मशीन से बंडल के रूप में तैयार कर लेते हैं। और अगले स्टेप में कॉपर शीट के बंडल पर भी ब्लैक लिथियम को लगाकर आगे लगे सेंसर मशीन की मदद से इसकी मोटाई को चेक करते हैं। फिर इन शीट को रेक्टेंगुलर से में कटिंग करके आगे लगे वर्करों द्वारा इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की। इस असेंबलिंग प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर के शीट को रखते हैं, और ऐसी अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए इन दोनों का एक मोटा लेयर तैयार कर लेते हैं। अब इस इंटरनल बैटरी के ऊपर एल्युमिनियम शीट लगाया जाएगा, तो उसके लिए एल्युमिनियम शीट को पतले पीस में कटिंग करके बैटरी के इंटरनल हिस्से को डालकर पूरी तरह पैक कर देते हैं, और उसी दौरान बैटरी से निकले अनवांटेड शीट को कटिंग करके सर्किट प्लेट को लगाते हैं।
और लास्ट में बैटरी के ऊपर येलो टिप लगा कर इसके पावर स्टोर करने की कैपेसिटी को चेक करते हैं। अब लास्ट में एयर ड्रॉप की जान यानी पीसीबी को बनाया जाता है। दोस्तों इसी पीसीबी के कारण छोटे आकार वाले एयर ड्रॉप में इतनी ज्यादा फीचर दिया जाता है। तो इसे बनाने के लिए कॉपर और ग्लास से बने सीट को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। फिर इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाने के लिए बहुत सारे होल किए जाते हैं। फिर पीसीबी इंजीनियर की मदद से कंप्यूटर में सर्किट डायग्राम को तैयार किया जाता है। अब इन सीट पर ट्रैक प्रिंटिंग की बारी आती है। उसके लिए इन सीट को एक मशीन में डालते हैं जहाँ यह मशीन यूवी लाइट की मदद से ट्रैक को बनाती है। इन सारे प्रोसेस को डार्क रूम में किया जाता है क्योंकि ट्रैक बनाने वाली मटेरियल लाइट सेंसिटिव होती है, जिससे ट्रैक पर लाइट पड़ने से ये ट्रैक बिगड़ सकता है। अब इन सीट का इचिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे बिना प्रिंट हुआ कॉपर निकाल लिया जाता है। फिर इनका ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में सेंसर की मदद से ड्रॉ हुए ट्रैक का जांच करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा पीसीबी ग्रीन कलर का होता है, तो इन सीट को ग्रीन करने के लिए मार्किंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में इन सीट पर ग्रीन कलर को प्रिंट करते हैं, जिस कारण पीसीबी में शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है। फिर लास्ट में इन सीट पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाए जाते हैं, जैसे किट, ट्रांजिस्टर, चार्जिंग पिन और वगैरह वगैरह। और फिर इस बने हुए पीसीबी को छोटे छोटे पीस में तोड़कर एयर ड्रॉप में फिट होने लायक बना लिया जाता है। अब बारी आती है चार्जिंग केस असेंबलिंग की, जहाँ चार्जिंग बॉक्स के ऊपरी हिस्से में ग्लू लगाकर मैग्नेट लगाते हैं, जिससे ईयरबड चार्जिंग केस से बाहर ना निकले। अब इस पर साइडिंग क्लोथ को चिपका कर मैग्नेट पर ग्लू लगाकर फिक्स करते हैं। फिर बैटरी को पीसीबी के साथ सोल्डिंग करके पीसीबी को चार्जिंग बॉक्स पर स्क्रू लगाकर फिक्स करते हैं। अब टेस्टिंग प्रोसेस में पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है नहीं, इसे चेक किया जाता है। फिर टेस्टिंग प्रोसेस पास हो जाने पर बैटरी पर रेड कलर के टेप को चिपकाकर आगे भेजते हैं, जहां एक वर्कर बैटरी से टेप को निकालकर चार्जिंग केस में डालता है। अब बैटरी पर ग्लू लगाकर बॉक्स को क्लोज किया जाता है और इस तरह आपका ईयर ड्रॉप बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसका कर्व टेस्टिंग करने के लिए ईयरबड को एक मशीन में डालकर इसे साउंड क्वालिटी को चेक करते हैं और रेटिंग टेस्टिंग में एयर ड्रॉप को चार्ज करके इसके पावर स्टोर करने की कैपेसिटी को चेक करते हैं और फिर पैकिंग करके मार्केट में सेल होने के लिए भेज देते हैं। और इस तरह आपका एयर ड्रॉप पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है।